जिसको हो दीनो दिल अजीज, उसके गले में जाए क्यों, दिल ही तो है न संग
बेखुद बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अरे जाग रहे हैं आप? और ये हमारे दुपट्टे पे क्यों गिरह लगा रहे हैं? गजल ही तो है, बांधता यहां हूं गिरा कहीं और लग जाती है। कौन है? दिल की गिरह पड़ गई है कहीं? कोई और है तो ले आइए उसे भी। पांव की एक ही बेड़ी ने मुश्किल में डाल दिया है, दूसरी भी पहन ली तो चलने से भी नाचार हो जाऊंगा बेगम। कुछ अरसे से देख रही हूं बहुत दूर दूर रहते हैं आप, वो कौन है जो हमें इस तरह खींच के अलग किए देता है? बेगम तुम तो जानती हो मैं दिन रात किस दौड़ धूप में लगा रहता हूं। सौ पुश्त से है पेशाए आबा सिपाह गिरी, कुछ शायरी जरियाए इज्जत नहीं मुझे। लोग बाग तो बेफिक्रा कहते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं मिर्जा, क्या मुश्किल है उन्हें? लोग क्या जाने मैं क्यों शराब पीता हूं क्यों जुआ खेलता हूं, वो भी ना करूं तो घुट के मर जाऊं। गम में हंसता हूं तो लोग समझते हैं कि रोना ही नहीं आता। हमने तो कभी रोते नहीं देखा आपको। हाँ, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अल्लाह, नमाज का वक्त हो गया, मैं चल। तुम अभी पूछ रही थी ना कि वो कौन है जो खींच के हमें अलग किए देता है। अब सुन लिया? तौबा तौबा, कैसी कुफर की बातें करते हैं आप। अच्छा बेगम, पांचों नमाजें पढ़ती हो, इतनी क्या बातें होती हैं अल्लाह मियां से। आप सुन के क्या करेंगे, न रोजे के न नमाज के। वो तो है, लेकिन कयामत के दिन मेरी शान देखना। तुम होगी उन नीली तहमत वालों की जमात में जिनके एक हाथ में टोंटीदार बंधनी और दूसरे हाथ में तस्बीह होगी, और मैं फिरौन नमरूद जैसे शहंशाहों की टोली में जो गुनहगार से ही लिखे। रहमान रहम कर, माफ करना इन्हें। हुजूरे वाला कोई साहब मिलने आया आपसे? कौन है जी, मैंने पहले कभी देखा नहीं उन्हें। अच्छा कह दो आता हूँ जी। अच्छा सुनिए सुनिए जनाब, थोड़ी देर इंतजार करें, हुजूर अभी तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा सारे सहन को मस्जिद बना रखा है, अब कोई जूते पहन के गुजरे भी तो कहां से गुजरे। जी सलाम अर्ज करता हूं। गालिब आप ही का इसमें शरीफ है? जी तखल्लुस है मेरा, फरमाइए। हमारी मालकिन ने ये रुक्का भेजा है आपके लिए। आपकी एक अधूरी गजल मिली थी, एक मेहरबान सुनकर ऊपर आए और मुकम्मल करा गए। गालिबन आपके दोस्त हैं, अगर एक गजल और इनायत फरमाए तो ताउम्र मशकूर रहूंगी। नाचीज एक मद्दा है गालिब। आप वहां क्या करते हैं? जी मुलाजिम हूं उनके यहाँ। मेरा पता कहां से मिला आपको? हमारी सीढ़ियों के सामने एक कुतुब फरोश की दुकान है।
मीर साहब? मीर साहब कहलाते, जी हाँ, उन्हीं के यहाँ से। अच्छा अच्छा, अच्छा। आइए मेरे साथ आइए। जी हुजूर। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। क्या है
आप कब लौटे? कहाँ से? हमें क्या मालूम आप कहाँ जाते हैं? अरे आज तो हम घर से बाहर ही नहीं निकले बेगम, दोपहर ही से कल्याण, जरा तश्तरी प्याला ले आना आपके लिए। आपने हमारे बर्तन क्या अलहदा कर दिए? नहीं, हमने अपने बर्तन अलहदा कर लिए। बुरा न मानिएगा, अपने ईमा के लिए डरती हूँ। हाँ बेगम, डरता वही है जिसके पास पूंजी हो। तुम्हारे पास ईमान है इसलिए डरती हो, और हमारे पास तो सिवाय इस ईमान वाली के कुछ नहीं है। आप खुदा की जात से इस तरह मुनकिर क्यों हैं? तौबा करो, खुदा से मुनकिर का फर्क सिर्फ इतना है कि सब की तरह मैं उसके सामने दोजानू होकर गिड़गिड़ाता नहीं। बच्चों को माँ बाप से कभी इस तरह गिड़गिड़ा के कुछ मांगते देखा है जैसे तुम मांगती हो? मेरे ताल्लुकात खुदा के साथ तुमसे ज्यादा बेतकल्लुफ हैं। इसलिए वो आपकी सुनते नहीं है। शायरी नहीं समझते होंगे वो भी मेरी। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह मियां इनको इस अना के लिए माफ कर देना। आदाब। फरमाइए मोहतरमा। गालिब नाम के एक शायर हैं, पूरे नाम से तो ना वाकिफ हूँ। उनका मजमुआ शाया हुआ है कोई, या कोई दीवान मिल सकता है? दीवान तो नहीं छपा है गालिब का। हाँ, कभी कभार कोई गजल कोई शेर लिख जाते हैं जब आते हैं हमारे यहाँ। क्या क्या फरमाया आपने, गालिब यहाँ आते हैं? जी हाँ, ये उन्हीं के हाथ के लिखे अशआर हैं। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वाह, बात हो। लेकिन आपने उनका कलाम कहाँ पढ़ा? गालिब की खबर किसने दी आपको? आप उनके ये अशार मुझे देंगे? इसके बारे में तो उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। इससे पहले किसी ने उनके अशार इस तरह चाहे नहीं। लीजिए, आ गए वो। आप ही उस दिन तशरीफ लाए थे ऊपर? जी, ये गुस्ताखी मुझे ही से सरजद हुई थी। मैंने गोरी घर में भी ना बुलाया, बाहर से ही लौटा दिया। मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। आपके ये अशार रख सकते हैं अपने पास? हाँ हाँ, जरूर रख लीजिए। नगमा हो जाता है वहां अगर नाला मेरा जाए है। पापा दिन आए थे, शुक्रिया आपका जी साहब। जी जी मिर्जा, बेचारी की कैफियत मुलाहिज़ा फरमाई आपने, चेहरे का रंग ही उड़ गया। हो के आशिक वो परीरुख और नाजुक बन गया, रंग खुलता जाए है जितना के उड़ता जाए है। भाई वो तुम्हारा ही शेर है मिर्जा नौशा,
इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। जी बहरहाल आपकी ये किताबें ले गया था लौटाने, चलता हूँ मीर साहब। अरे भाई अभी तो रुके भी नहीं, कहाँ चले? मथुरा दास की कोठी पर उधार लेने। ख्वाजा हाजी के हाथ पैसे भेजे थे छोटे भाई के लिए, वो तो गुम हो गए, पहुंचे नहीं। पैगाम आया है कि जो था वो इलाज पर उठ गया। मिर्जा यूसुफ के दुश्मनों की तबीयत नासाज है क्या? दिमाग में खलल पड़ गया है, गम के एहसास से बच गया। तीन बच्चे, भावज और भाई, इनकी जिम्मेवारी भी मुझ पे पड़ी। बोझ कहूं तो गुनहगार, और आमदनी आप जानते ही हैं। चलता हूं मीर साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हुजूर, हुजूर जरा रुकिए। किबला, एक मिसरे का मतलब पूछने के लिए भेजा है नवाब जान ने। किसने? नवाब जान ने। नवाब जान, खूबसूरत नाम है। जी फरमाइए। वहां वो गुरूर इज्ज़ो नाज, यहां ये हिजाब पासे वजा। जी जी, बहुत मुश्किल शेर लिखते हैं आप। उनसे कहिए राह में हम मिले कहां, बज्म में वो बुलाए क्यों। राह में हम मिले कहां, बज्म में वो बुलाए क्यों। शुक्रिया। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। कब से हूँ क्या बताऊँ, जहाने खराब में। कब से हूँ क्या बताऊँ, जहाने खराब में। शब हाय हिजर को भी रखूँगा हिसाब में। मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौर जान। मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौर जान। साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। गालिब छुटी शराब
पर अभी कभी कभी गायब छुटी शराब पर अभी कभी कभी पीता हूँ रोजे आब्रू शबे महताब में कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में शब हाय हिजर को भी रखूंगा हिसाब में I'm asking you where you bloody fool. Stop it! Tell me who's doing this. Stop it! You bloody fool! Stop it! You fools! I kill you, idiots! Hey, come out! Come out, show your dirty face! You blackies, stop it! I will kill you, idiots! I kill you! Hey, you dirty fellow! Tell me, who's doing? You don't know who I am. Hey, you! Tell me, who's doing? Stop it! Hey, you idiots! Listen! I shall destroy this place. You know that? Dirty blackies! I'll see you later. नहीं होता। वाह 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 मियां मियां मोमिन हमने शेर सुना नहीं। मुकर्रर इरशाद फरमाइएगा। अर्ज किया है इरशाद। तुम मेरे पास होते हो गोया। तुम मेरे पास होते हो गोया। जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह 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 माशाल्लाह वाह बहुत सुभान अल्लाह मियां मोमिन सुभान अल्लाह। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर बहुत खूब। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर हाथ दिल से जुदा नहीं होता। वाह अर्ज किया है चारे दिल सिवाय सब्र नहीं। सिवाय सब्र नहीं वाह। चारे दिल सिवाय सब्र नहीं सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। क्या हजरत अगर इजाजत हो तो मैं एक ताजा गजल के चंद अशार पेश करूं। इरशाद तो भैया क्या चल रहा है। कुछ पटाखों की सी आवाज सुनाई देती है। हाँ यही लगता है। हाँ पटाखे ही होंगे। अगर गोलियां चलती तो साथ में चीखें भी सुनाई पड़ती हैं। कुछ नहीं हजरत एक फिरंगी सिपाही अकेला निकल आया है गली में तो लोग उसे परेशान कर रहे हैं। दो गोरे हों तो सारा शहर घबरा जाता है। शहर कहाँ साहब अब तो सारा मुल्क घबराने लगा है।
जी हाँ, कोई रंजिश है जो पक रही है लोगों में। जी कबला, आप शेर इरशाद फरमाइए। जी ये तो रोजमर्रा का किस्सा है, पता नहीं फिर आपका कलाम कब सुनने को मिले। जी नवाजिश, तो हजरत मतलब इरशाद। लाई हयात आए, लाई हयात आए, वाह लाई हयात आए, कजा ले चली चले, वाह वाह, लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ना अपनी खुशी चले, बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। कम होंगे इस बिसात पर हम जैसे बदकुमार, कम होंगे इस बिसात पर हम जैसे बदकुमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। और मख्तार से इरशाद के जाते हवाए शौक में हैं, जाते हवाए शौक में हैं इस चमन से ज़ौक, जाते हवाए शौक में हैं इस चमन से ज़ौक, अपनी बला से बादे सबा अब कभी चले। क्या बात अजी, ये लीजिए अजी। मिर्जा साहब आप भी कमाल की कौड़ियां फेंकते हैं। कमाल करते हो भाई। अजी आपसे जुआ खेलना तो सरासर घाटे का सौदा है। जी निकालिए। मिर्जा नौशा जी, कोई साहब आपके लिए रुक्का लेके आए हैं। कौन है? सलाम अर्ज है। अच्छा अच्छा, आओ मैं आओ। इसमें शरीफ क्या है आपका? खाक सर को फिद्दन कहते हैं। फिद्दन मियां, कैसे आना हुआ? आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ था, पता चला आप यहाँ तशरीफ रखते हैं। एक रुका है नवाब जान की तरफ से। एक बार गरीब खाने पे तशरीफ लाएंगे, आपकी गजल आप ही के सामने पेश करना चाहती हूँ। लिल्ला मायूस न कीजिएगा, आपके कदम पड़ने से इस गरीब खाने का मुकद्दर जाग उठेगा, शायद किसी को जीते रहने की वजह मिल जाए। न्याजमंद नवाब जान। उनसे कहिए कि मैं तो उड़ने से पहले ही गिरफ्तार हो गया हूं, पांव में बेड़ी पड़ी है। कैद तो किसी को अजीज नहीं होती, लेकिन अब कैद की आदत में कैद हूं। आप तशरीफ लाएंगे ना? वादा तो नहीं करते, शायद आ भी जाएं। इनायत। कौन है, किसका पैगाम लेकर आए थे? मुगल बच्चे भी अजीब होते हैं, जिस पे मरते हैं उसे मार रखते हैं। एक डोमनी को हमने भी मार रखा है। क्या बात है, आज कुछ खास ही एहतमाम हो रहा है तैयार होने में। शाम होने में तो बहुत देर है अभी। अम्मा आज मेरी चोटी खुद बना दूं? कौन आ रहा है? वही जिनका कलाम आज शाम गाने वाली हूँ, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, वो इस गरीब खाने पर आएंगे? उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिना आए न बने। अम्मा किसी ने क्या खूब कहा है, वो भी कोई चांद सूरज हैं जो रोज चले आते हैं। गालिब का मुकाम तो उनसे भी परे है।
अरे पहन लिया आपने, इसे रहने दीजिए। ये नया चोगा बनवाया आपके लिए, ये पहन के जाइए। बेगम क्यों ऐसे दूल्हे की तरह तैयार कर रही हो हमें? जानती भी हो हम कहां जा रहे हैं? एक डोमनी के कोठे पर, सुना है वो मरती है हम पे। क्यों ना मरेगी, हमारा इंतखाब क्या इतना मामूली है? वाह, आज तो बहुत ही मेहरबान हो, क्या बात है। गला ठीक है? कहा नहीं आपने, बहुत चुप है। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती? आपसे तो बात करना मोहाल है, बात बात पे शेर कहते हैं। हमने कुछ पूछा था आपसे, कहां हैं आप? हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। फिर वही निगाह कर ली, अरे इसे देखता रहो कि मैं इसमें मिला नहीं है मुझे। क्या हुआ? बहुत उदास हो गई आप? नहीं, बस आते ही होंगे। दीवान खाने में चिराग जला दिए? जी हाँ, साजिंद तो आ भी चुके हैं। आदाब। आदाब। बैठिए बैठिए। नवाब जान कहाँ हैं? बस आई रही होंगी। अभी उतरी नहीं महफिल में? नहीं जी। गुलरेज, मिर्जा का गांव तक है, जरा दाएं तरफ लगवा देना। जी। एक लख इतनी रकम की क्या जरूरत पड़ गई मिर्जा साहब? कहीं सफर पे जा रहे हो? क्या इरादा है? इजाजत चाहूंगा लाला, खुदा हाफिज। खुदा। हाँ।
क्या लिखा है? मिर्जा? मिर्जा कौन? मिर्जा गालिब, ये किस कंगाल से दिल लगा बैठी हो? कर्जदार हैं जमाने के, और उनका कर्ज जो चढ़ रहा है जमाने पर, उसे चुकाते चुकाते तो दिल्ली की नस्लें गुजर जाएंगी, फिर भी चुकता ना होगा। ओहो, क्या जानती हूं उनके बारे में? जब भी बलीमारा से गुजरता हूं, चूहा खिला करते हैं। किसी दिन धरे जाएंगे मेरे हाथों, न दीन के न दिल के। हाँ, वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों? लिया आपने? किससे? मथुरा दास से, और मिलता नहीं अब। सुखचैन सेठ से लाया हूं। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि? अच्छा अच्छा, अब उतारो ये कांच की चूड़ियां और ये कड़े पहन लो। Thank you.
कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ चाहिए। ये मसूर की दाल कितनी डाली? ये तो कम है। कम यहाँ नहीं तुलता बीबी, पूरी 3 सेर है। पर हमने तो 5 सेर मांगी थी। मांगने से ही सब कुछ थोड़े ही मिल जाता है बीबी, हमें भी तो पैसे मांगते, महीना हो गए। पर हमारे घर में मेहमान आए हैं भाई, इतने से कैसे पूरा होगा? जो मिला है उठा लो बीबी। अंटी में कौड़ी नहीं, दावतें रोज करते हैं मिर्जा। अरे उनका मुंह देखकर ही हम कुछ नहीं कहते, वरना दे देंगे। इतनी साली बातें मत सुना हमारे हजूले वाला के लिए। बड़ी वफादार हैं आप मिर्जा की। वफादार तो हैं, नाम भी वफादार है भाई। अरे साहब शोहरत तो देखिए, फलक को छूने लगी है, सारे शहर में चर्चा है। और पैसे धेले का कहीं जिक्र नहीं। शोहरत से पैसे तो नहीं आ जाते हैं मियां, तो मसूर की दाल भी नहीं आती। क्या हुआ, दो मंगल से हमारे उस तरफ आए नहीं? हमारी पत्नी मायके गई रही बिटिया, यही से नहीं आ सके। तो फिर अगले मंगल जरूर आइयो। हाँ अच्छी बात है। अच्छा ए संसार ताकत की पुड़िया, ए संसार ताकत की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। हाँ हाँ, मगर उस बात को भी एक बरस हो गया शम्स। तुमने कहा था वो फिरंगी, वो क्या नाम है उसका, फ्रेजर, विलियम फ्रेजर, वो तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह कसम उसका तो मैं खून कर दूंगा। अब असल तो हर बात पे अल्लाह की कसम मत खाया करो, और खाओ तो किसी भले काम के लिए। और उसका क्या हुआ हाजी, वो मेरे पैसे नहीं पहुंचाए उसने यूसुफ तक। असद भाई वो तो मेरे पैसे भी खा गया है, पिछले 8 माह से गायब है। तो फिर उस दरखास्त का क्या होगा जिसपे दस्तखत करवाए थे? वो फ्रेजर का कहना है कि उसने दरखास्त कलकत्ता जनरल मेटकाफ को भिजवा दी, फैसला तो वही करेगा ना। और क्या कुछ कहना चाह रहे हो? असद भाई लगता है कलकत्ते गए बगैर काम नहीं बनेगा। तो कलकत्ते जाने का इरादा कर रहे हो? मुझ में इतनी सकत नहीं, आरिफ के दोनों नाबालिग बच्चों का बार मुझ पर है। अगर यूसुफ मिर्जा का बोझ तुम पर ना होता तो मैं तुमसे कहता कि ये बार भी तुम ही संभाल लो। खैर बाजी कैसी हैं? उमराव अच्छी हैं, फिर उम्मीद से हैं। अल्लाह ने औलाद तो बख्शी लेकिन उन्हें जिंदगी ना बख्शी। अब तो पहले से ज्यादा परहेजगार हो गई हैं, हर पीर फकीर की दरगाह पे जाके मन्नत मांगती हैं, बजिद रहती हैं कि मैं भी तवाफ करूं, कुछ चढ़ा के आऊं। अच्छा शम्स चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हजलात मिर्जा साहब महलोली गए हैं, लौटते हुए शायद देली हो जाए। हम खबर कल देंगे कि आप आए थे, हुजूर की जागीर बस मिलने ही वाली है। हमें तो हमारे दाम चाहिए बीबी, जागीर नहीं। मिर्जा से कह देना खुद ही आके दे जाए दुकान पर, तकाजा करते हमें अच्छा नहीं लगता। आप भी तशरीफ ले जाइए सैयद साहब।
एक बेचारे शायल को परेशान करके क्या मिलेगा आपको? हम कहाँ परेशान करते हैं बीबी, आप ही ने बुलाया था आज के रोज। तो हमें थोले ही खबर थी कि हुजूर को आज सुबह महलोली जाना पड़ जाए। तो फिर कब आए? हुजूर से बात करके खबर करेंगे आपको। खुदा हाफिज। ताजीम। आदाब से सब। फरमाइए। अर्ज यूं है मिर्जा के वफादार कपड़ा ले गई थी पिछले महीने, कहा था बेगम ने मंगाया है, मिर्जा का चोगा बनेगा। अरे कर्ज लेने को मैं क्या कम था कि बेगम ने भी उधार लेना शुरू कर दिया। लेकिन हमें तो कहा गया नहीं था कि... बात यह है सैयद साहब, अच्छी भली पेंशन आ रही थी वो रुक गई। जी वो हीरालाल वकील है ना, मुकदमा उन्हीं के हाथ में है, मैं आज ही जाके उनसे बात करता हूँ। मिर्जा शर्मिंदा मत कीजिए, हम तकाजा करने नहीं आए, बुलाया गया ना होता तो कभी ना आते। आदाब। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाकमस्ती एक दिन। मिर्जा साहब आदाब। तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म रहा हो, मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। वफा कैसी कहां का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्तां क्यों हो। कहाँ की वफा कहाँ का इश्क, वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा। वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संग आस्तां क्यों हो। ये नया कलाम किसका गुनगुनाया जा रहा है बेटी? वही मिर्जा गालिब। देखो मिर्जा से बढ़ता हुआ तुम्हारा उंस कोतवाली शहर को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई उसकी जरखरीद हूं? जरखरीद तो उसका कोई नहीं है बेटी, लेकिन शहर में उसका तूती बोलता है। तो तेरी वजह से उस गरीब शायर पे ना बने। ये सारा कर्ज कैसे चुकेगा मिर्जा? बेतहाशा खर्च करते हो, कर्ज लेते हो, ये सारे मुकदमे लड़ोगे भी कैसे? इधर मसूरा दास डिग्री करा रहा है तुम पर, उधर घर पे तकाजा करने वालों का तांता लगा रहता है, और पेंशन का अभी तक कुछ पता ही नहीं, क्या जाने कब मिलती है। खुदा करे जल्दी फैसला हो जाए। लेकिन कचहरी के फैसले भी खुदा करने लगा तो आप किस बात की वकालत करते हो हीरालाल जी? आपको ये मुकदमा सौंपा था कि मेरा हक मुझे दिला दीजिए। और मेरा हक वो कब मिलेगा? सारी गजल अच्छी थी, ये मक्ता अच्छा नहीं लगा बस। मेरी छिनी हुई पेंशन मुझे दिला दीजिए, अपना हिस्सा ले लीजिए, जिरह काम आपका है। मुझसे तो दरखास्त लिखा लीजिए, कसीदा लिख देंगे, हाकिम की तारीफ कर देंगे शेरों में, आगे काम निकालना तो आपका काम है। आदाब। आदाब। आप यहाँ क्या कर रहे हैं उस्ताद?
भाई अब तक तो सबसे महफूज जगह यही थी, लेकिन अब हीरा लाल जी भी मुआवजा मांगने लगे। चलता हूँ। आदाब। आदाब। आदाब हीरा लाल जी। आदाब, आइए। हीरा लाल जी, इस आदमी जैसा इंसान दूसरा नहीं देखा। पैर के अंगूठे से लेकर सर के तालू तक दिल ही दिल है ये आदमी। दिल ही से काम तो नहीं चलता भाई हरगोपाल, दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। 10,000 से 5,000 हो गई इनकी पेंशन, 5 से 3 और अब 62 रुपए 8 आने मावार रह गई है। सब रिश्तेदार लूट के ले गए और मिर्जा जो असल हकदार हैं वो यूं ही रह गए। कुछ मिलने की उम्मीद है? सब मिल जाए तो मालामाल हो जाएंगे, और ना मिले तो सारी उम्र कंगाली में कटेगी। पर कुछ मिलने की उम्मीद है? सब कंपनी बहादुर की मर्जी पर है। सच तो ये है कि आजकल हमारे बादशाह की भी कुछ नहीं चलती। पर मैं पूछता हूं, कुछ मिलने की उम्मीद है? हाँ, मेरा ख्याल है जनरल मटकाफ ही कुछ कर सकता है, और वो आजकल कलकत्ते में है। तो कलकत्ता जाना होगा। जाना तो पड़ेगा। हर बार पेंशन की उम्मीद दिला जाते हो मिर्जा साहब, कोई फैसला होगा भी कि नहीं आखिरकार? कुछ बताओ तो सही, कब फैसला होगा? जल्द ही हो जाएगा लाला, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे लोल ना फिर से। ये लो आया। ए जुफ्त 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 देखो। ये फिर लिखो। ये लिखो। चलो देखो ये आया। ता देखो। अरे चल तो चलो। अरे भैया जरा रखते से बाजू। हाँ चल क्या है। चलो कोई फिर। चलो भाई फिर ये देखिए देखिए फिर आ रही है। निकला देखो ये निकला। चलो अरे पैसा नहीं तो खाना खाए। कोई ठीक से गिन लो पहले। ठीक से गिन लो। अच्छा ठीक से। घर में नहीं चलने वाला इधर काम। हाँ नकद नकद चलो नकद। चलो अरे भागो भागो। सिपाही सिपाही अरे भागो। अरे मेरे जेवरात मेरे जेवरात। अरे अल्लाह कसम मैं जुआ नहीं खेल रहा था। तुम झूठ बोलते हो। नहीं मैं जुआ नहीं खेल रहा था। चला जुआ खेल रहा था। आप तो जानते हैं मैं जुआ नहीं खेलता। मुझे तो खामोखा इन लोगों ने। ये जेवरात किसके? वो मैं कहाँ ले जा रहा था? वो बेचने ले जा रहा था? जी नहीं। किसने भेजा था तुम्हें? नवाबजान ने भेजा था? नहीं। तो फिर उनकी अम्मा ने? जी नहीं। चोरी की है तूने? तू चोरी भी करता है जैसी? उसका
उसने चोरी नहीं की, छोड़ दीजिए उसे। झूठ मत बोलो, फिदन खुद इकबाल कर चुका है अपने जुर्म का। मैंने उसे भेजा था जेवरात बेचने के लिए, सुखचैन सेठ के पास। जेवरात बेचने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? है जरूरत, किसी का कर्ज अदा करना है। ओ, अब समझा किसका कर्ज अदा करना चाहती हो। सेठ सुखचैन गालिब पर कुर्की लाने वाला है ना? तशरीफ ने लाए हमारे कोठे पर, बहुत राह देखी आपकी, हमारी तो मेहंदी भी पीकी पड़ गई। देखी ना, देखा आपने, बिचारी का रंग ही उड़ गया, बिल्कुल जर्द पड़ गई ना। था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। वाह, किस किस शेर पे जर्द हूं, किस किस शेर पे जान दूं। आप यहाँ कैसे? मैंने तो सुना था आप चद्दर चढ़ाने आया था नवाब जान, किसी आने वाले की जिंदगी के लिए दुआ कर रहा हूँ। और तुम? मैं भी किसी की कामयाबी के लिए दुआ मांगने आई थी। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। मेरे औलिया ने मेरी हर दुआ कबूल की है, ये भी करेंगे। देखिएगा, एक रोज मेरे शायर दिल्ली के सरताज शायर होंगे। अगर तुम्हारी ये दुआ कबूल हुई तो एक दुशाला हम भी जरूर पेश करेंगे तुम्हारे घर आकर। मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाएंगे आप? एक बार, सिर्फ एक बार मिर्जा। जरूर जरूर आऊंगा। इश्क मुझको नहीं वहशत घर को
इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। इश्क मुझको नमी चंद आ गए। जादू है आदमी के हाथ में। बीबी क्या कहा मिर्जा ने, कभी आएंगे भी या सिर्फ सब्र ही आजमाते रहेंगे? साहब मैंने तो एक ही शेर दिया था, ये बाकी अशार कोठे तक किसने पहुंचा दिया? भाई कदरदान है तुम्हारे, मुझसे मांगते हैं तो मैं इनकार नहीं करता। दिन में कितनी बार तुम्हारी खैरियत पूछते हैं, मैं तो तुम्हारी रुदाद कहते नहीं थकता। कहाँ चले? मुझे अपने कदमों पे जोर नहीं मीर साहब, डरता हूं किसी ऐसी राह पे ना चल पड़ूं जहां खुद ही अपना रहजन हो जाऊं, खुद ही को लूट लूं एक दिन।
आदाब। आदाब। नवाब जान ने पूछा है मिर्जा गालिब आए थे? आएंगे? कोई पैगाम उनका? आदाब। आदाब। मुझे तो मिर्जा कुछ ऐसे वफाशार नहीं लगते। वफा कैसी कहां का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर ये संग दिल तेरा ही संग अजी बहुत पूछा। कोई हमारे असद भाई का घर बता दो। आगरे में बहुत जूतियां पहनाई हैं उन्हें, मगर कोई खुदा का बंदा? अरे खुदा के बंदों से हमारा क्या सरोकार भोलेनाथ, किसी मैखाने से पता किया होता। और असद नहीं, दिल्ली में गालिब के नाम से बदनाम हूँ। अरे भाई ये तो बहुत काटती है। अब हजरत जूती के मुंह में पाँव डालेंगे तो काटेगी नहीं, तो और क्या करेगी? बड़े बदतमीज़ मियां। बुरा मत मानिए जनाब, जरा मुंह लगा मोची है पर जूती अच्छी बनाता है। और यूं भी साहब, दिल्ली में आगरा की जूती खूब चलती है, क्यों असद भाई? हाँ जूती ही चलती है बस। अरे मिर्जा साहब वो आ रहे। कौन आ रहे हैं भाई? अरे उस्ताद जौक पालकी में आ रहे। बड़ी शान से आ रहे हैं गली में। शायद जानते नहीं कि किसकी गली में आ रहे हैं। अजी ये नौशा मियां की गली में आ। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। मुकर्रर मिर्जा मुकर्रर। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। वाह 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 वाह। चलो भाई। ये जौक थे ना? अरे साहब खुद तो शाहों की सोहबत के काबिल नहीं, ऊपर से उस्ताद पे जुमले उछालते हैं। निहायत ओछी हरकत की है मिर्जा ने। अरे याद नहीं जब मुशायरे से दुम दबाकर भाग गए थे? आती जुमेरात को मुशायरा है, बुला लो किले में, मट्टी पलीत करके भेजेंगे। अम्मा वो क्यों आने लगे किले में? क्या जानते नहीं कि वली अहद खड़े खड़े महफिल से निकलवा देंगे? तुम दावतनामा तो भिजवा दो। और सुनो यास, इस वाक़े का अबू जफर से जिक्र जरूर कर देना। ए चलो चलने को मांगता है। अजी साहब आप समझते क्यों नहीं, हम किसी चर्च पर्च को नहीं जानते, हम नहीं जाएंगे। ए चर्च, चर्च मींस गिर जा, गिर जा। अरे भाई गिर जा या उठ जा, हमें क्या लेना उससे? हम थके हुए हैं, दो घड़ी आराम करेंगे। और इन्हें कहिए उतर जाएं। हम तुम मौलवी साहब तुम इसको समझाओ, इसको बोलो हम और हमारा वाइफ हमको चर्च जाना मांगता है। इसको बोलो चलो चलने को मांगता है। मौलवी साहब इससे कहिए चौराहे पर चला जाए, दूसरा तंगा ले ले। हम कल के निकले हुए हैं आगरा से और अब आकर दिल्ली पहुंचे हैं। हम थके हुए हैं, हमसे ज्यादा हमारा घोड़ा थका हुआ है, वो और नहीं चल सकता। अरे बिद्दू मियां ये फिरंगी है, खामखा झमेला खड़ा करेगा तो इंग्लिस्तान में जाके खड़ा करे ना।
यहाँ क्या लेना इसे? यहाँ तो इसके बाप की हुकूमत है। क्या बोला तुम? किसके बाप को बोलता है? डंडा दिखाता है। नो 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 डार्लिंग, प्लीज लीव इट डार्लिंग, यू स्टे हियर, आई किल दिस ब्लडी फुल टांग वाला। यू मौलवी साहब हट जाओ, इडियट, किल यू। अरे बदमाश, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये ले, तिरंगी का इडियट, आई किल यू इडियट। तुम्हारे बाप का बोलता है, आई किल यू, लीव मी, लीव मी, आई सेड लीव मी, आई किल दिस ब्लडी फुल, आई सेड लीव मी। निकल लो यहां से, दंगा हो जाएगा फिरंगियों के साथ। हो जाए मियां, ये गोरे गिनती के तो है, भून के रख देंगे। तुम नहीं जानता हम कौन है, हम विलियम फ्रेजर। I kill you idiot। ले चलो इस फिरंगी को मस्जिद में ले जाके कलमा पढ़वाते हैं। हाँ ले चलो। Leave me you idiot। निकल लो गुदुमिया, निकल लो। मौलवी साहब जरा मिर्जा नौशा की यहाँ खबर कर दीजिएगा, मैं बंसीधर को लेके आया था आगरा से। बेफिक्र रहो, वो हम देख लेंगे। जब भी आते हो लाला, कोई ना कोई शगुन साथ लेके आते हो। तुम कल आए, आज फिर बुलावा आ गया बादशाह का, उस्ताद जौक ने भेजा है। मैं जानता था, बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। अच्छा ये बताओ कि बादशाह और उस्ताद में कौन सा बकरा है और कौन सी माँ? फिर भी मोहतात है ना, उस्ताद जौक दरबार में तुम्हारे पांव जमने नहीं देंगे। हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। हम मशकूर हैं उन तमाम शोरा के और उन सुखनवर हजरात के जो आज के इस मुशायरे में शरीक हो रहे हैं। मुशायरे के इफ्तिताह से पहले हम एक बात वाजे कर देना चाहते हैं कि कुछ शोरा हजरात शायद हमारे उस्ताद शेख इब्राहिम जौक से नाला हैं और सरेरा उन पर जुमले कसते हैं जो उनके अपने वकार को सेब नहीं देता। हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें और आइंदा बाहमी आदाब व इखलाक की पाबंदी में रहें। नहीं हुजूर, उस्ताद की शान में ऐसी गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता। मिर्जा नौशा ने सरे राह उस्ताद की शान में जुमला कसा। क्या कहा? कहा, बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। क्या ये सच है मिर्जा नौशा? जी हुजूर, सच है। मेरी नई गजल के मकते का मिसरा उला है। मकता इरशाद फरमाएंगे आप? बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अगर मक्ता इतना खूबसूरत है तो पूरी गजल क्या होगी? सुनी जाए। मिर्जा अगर जहमत में हो तो पूरी गजल सुनाइए। आज के मुशायरे का आगाज इसी गजल से किया जाए। शमाए महफिल जनाब मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब के सामने लाई जाती है। इजाजत है? इरशाद। हर एक बात पे
कहते हो तुम के तू क्या है। वाह वाह, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। तुम ही कहो के ये अंदाज़े गुफ्तगु क्या है। तुम ही कहो के ये अंदाज़े गुफ्तगु क्या है। अर्ज किया है, इरशाद हो। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। अल्लाह। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत खूब, क्या जबान है। जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। वाह क्या बात, वाह वाह। मिर्ज़ा मुकर्रर। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। हमारी जेब को अब हाज तेरफू क्या है। हमारी जेब को अब हाज तेरफू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जो अब रास जुस्त जू